नमस्कार दोस्तों, आज ये जानेंगे कि स्क्वायर फीट और रनिंग फीट का कैलकुलेशन कैसे होता है। जैसे अपने घरों में हर जगह पे काम स्क्वायर फीट का रहता है, जैसे कोई भी काम चलता है तो ये अपने को इतना भाव दिया स्क्वायर फीट में और रनिंग फीट में, तो अपने को कैसे निकालना है। तो सबसे पहले कि पूरा जैसे अपना रूम हुआ या कोई भी एरिया हुआ, जैसे ये फुट में है, ये हुआ 10 फुट, ये हुआ 12 फुट पूरा पूरा एरिया। तो अभी फुट में है, तो फुट में तो कुछ करना नहीं है, फुट में तो सीधा का सीधा ही 10 बाय 12 को, तो ये आ गया 120 स्क्वायर फीट। अभी समझो कि जैसे अपना इंच में माप आ गया है, इंच में भी माप आ सकता है, सीधा माप तो आने वाला नहीं है हर एक सतह पे। तो जैसे इंच में माप आ गया या 12.5 आ गया या 10.5 आ गया या इंच में आ गया, तो समझो अपना इंच में माप है, ये हुआ 48 इंच बाई 96 इंच, ये इंच है। 48 बाई 96 को अपने इक्वल करेंगे, गुणा करेंगे तो 4000, ये आया 4608। यानी 4608 को अभी अपने को स्क्वायर फीट निकालना, फीट में निकालेंगे तो 12 का भाग देंगे, और स्क्वायर फीट में निकालना हो तो इसको डिवाइड करेंगे 144 से, 144 से डिवाइड किया तो ये आ गया अपना 32 स्क्वायर फीट, बराबर। और जैसे ये इंची में माप होता, फुट में होता, तो समझो कि ये 4 बाई 8 यानी 32 फीट हो गया। और इसी तरीके से रनिंग फीट में, रनिंग फीट में तो सीधा जितना माप रहता वो वही हिसाब से गिना जाता है। जैसे अपने यहाँ से यहाँ तक चल के गए तो उसकी दूरी थी 8 फुट, तो ये 8 फुट हो गया। यहाँ से चल के गए, समझो कि इसकी दूरी हुई 15 फीट, तो ये 15 फीट रनिंग फीट हो गया। यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे गए तो ये पूरा का पूरा रनिंग फीट। जैसे ये माप इंची में आ गया है, ये रनिंग फीट का माप इंची में आ गया, तो 48 हो गया। 48 से सीधा 12 से डिवाइड कर देंगे तो 4 फुट हो गया। इसी तरीके से माप निकला जाता है, ये हुआ 8 फीट समझो रनिंग फीट, और ये भी 2 फुट है, तो ये हो गया पूरी की पूरी लंबाई। अभी मान लीजिए कि ये एरिया पूरा का पूरा स्क्वायर फीट में हो गया, और इसमें इतना एरिया जो आ रहा है, ये एरिया, ये समझो अपने को निकालना है इतना एरिया 2 फुट बाय 2 फुट का, तो इस जो टोटल एरिया पूरा निकाल के इसमें बाद माइनस कर देंगे तो अपना एग्जैक्ट मेजरमेंट आ जाएगा। जैसे मेरा ये घनफुट पे एक वीडियो बना हुआ है, उसका मैं लिंक आई बटन में या कार्ड्स में दे दूंगा, वो भी आप देख लीजिए, घनफुट पे बना हुआ है, किसी को नहीं समझ आए। और भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी या कोई भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं, कमेंट करके। सो थैंक यू गाइज, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।